गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स अरस। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कौन सा पिक्चर है? ये डॉल्फिन का पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डॉल्फिन दिख रही है ना, तो डॉल्फिन होती है वो कहाँ पे रहती है? पानी में रहती है डॉल्फिन, ठीक है। और डॉल्फिन का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर होता है। तो आपने देखा होगा कि डॉल्फिन होती है वो ट्रेन की जाती है, तो वो कैसे करता है करती है जब भी हम डॉल्फिन को देखते हैं तो वो पानी में जाती है, फिर ऊंची छलांग लगाती है, फिर से पानी में जाती है। आपने डॉल्फिन को देखा होगा ना। और डॉल्फिन की एक खासियत है, उसकी दो आंखें होती है लेकिन जब वो सोती है तो अपनी एक आंख खुली रख के वो सो सकती है। ये डॉल्फिन की खासियत है बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने डॉल्फिन में कलर करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कलर है? ब्लू कलर। और यहाँ पर मैंने कलर किया हुआ है, तो आप मेरे जैसे डॉट करके भी कलर कर सकते हो या फिर आप कलर भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे डॉट करना चाहते हो तो आपको पेंसिल कलर लेना है या फिर क्रेयॉन कलर लेना है, फिर आपको डॉट करने। देखिए मैं सिखाती हूँ आपको कैसे डॉट करना है। अगर आपको ब्लू कलर करना है तो आप कैसे करोगे? ब्लू कलर लेना है, फिर इस तरह से आपको डॉट करते हुए ब्लू कलर से ये डॉल्फिन है उसको फिर कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से बच्चों डॉट करने हैं, तो डॉट करोगे तो आपका पिक्चर भी मेरे जैसा हो जाएगा, जैसे मैंने किया ना वैसे। तो आप पेंसिल कलर भी ले सकते हो और क्रेयॉन कलर लेके आप इस तरह से डॉल्फिन में डॉट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉल्फिन का पिक्चर दिखाया है वैसे आपको ड्रॉ करना है। आपके पास ये पिक्चर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, A4 साइज़ का पेपर लेना है, उस पर पहले डॉल्फिन ड्रॉ करनी है। ऐसे ऐसे डॉल्फिन को ड्रॉ कर देना है पहले, फिर आपको क्या करना है उसमें ऐसे कलर करना है। यानी कलर करना हो तो कलर कर सकते हो और डॉट करना है तो पेंसिल या फिर क्रेयॉन कलर से आप उसको डॉट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।